सुल्तानपुर में भाजपा काशी क्षेत्र के उपाध्यक्ष पर प्रशासन को मिलाकर 84 बाबा के आश्रम समेत प्रॉपर्टी हड़पने की नियत से एक नया ट्रस्ट बनाने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तहसील स्तर पर प्रशासन को मिलाकर नियम विरुद्ध ट्रस्ट बनाया गया है। इसको लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर मामले की लिखित शिकायत की है। जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के बिलहरी गांव में स्थित दत्तात्रेय 84 आश्रम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। करीब एक साल पहले से आश्रम से जुड़े ट्रस्ट को लेकर विवाद चला रहा है। इस दौरान कई बार ट्रस्ट में फेरबदल भी की गई। बार बार ट्रस्ट में फेरबदल करने के कारण ये विवाद गहराता चला जा रहा है। गुरुवार को उस समय मामला तूल पकड़ गया जब भाजपा नेता संत बख्श सिंह चुन्नू 84 बाबा के साथ रजिस्ट्रार कार्यालय जयसिंहपुर पहुंचे। जानकारी जब 84 महाराज के सेवादारों को हुई तो बड़ी संख्या में लोग रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सेवादारों का आरोप था कि प्रशासन की मिलीभगत से आश्रम के ट्रस्ट को हथियाने की साजिश की जा रही है। वहां से आश्रम सुधार के लिए या थाना अध्यक्ष जो है मुस्करपुर के माध्यम से जो है आकर के सीओ साहब के अध्यक्षता में जो है यहां पर रजिस्ट्री कराई गई, ट्रस्ट बनाया गया एक नया, जो कि एक बार आदेश जो है डीएम साहब के अध्यक्षता में एक ट्रस्ट बनी थी उसको कैंसिल कराया गया। उसके बाद दोबारा ये लोग फिर व्हीकल जो है घटना अंजाम दिए हैं, उसमें जो है क्या बोलते हैं इसको रजिस्ट्रार साहब और सीओ साहब की अध्यक्षता में और एसडीएम साहब की अध्यक्षता में जो है चैनल बंद करा करके इसको कराया गया। हम लोग विरोध करते रहे लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और उसके बाद डीएम साहब के पास हम लोग ज्ञापन देने पूरा ग्राम सभा आई हुई है, जो पूरा पुराना आदेश डीएम साहब की थी कि जो है तहसीलदार उसके जो है संरक्षक रहेंगे, उसके माध्यम से ही जो है लेखा जोखा चलता रहेगा, जो है आश्रम का देख रेख वहीं चलेगा। वो चीज़ जो है आज वही संत बस सिंह चुन्नू उसमें मेन भूमिका में है। उन्होंने वो सचिव बने हुए हैं कि अध्यक्ष अभी महाराज जी बने हुए हैं उसमें इस ट्रस्ट में जो बनाया कल वाले में, तो उसमें क्या है कि जब सचिव जो है जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो सचिव है मुख्य भूमिका में आएगा। तो ये पूरा गेम जो है चुन्नू सिंह का है, संत बख्श सिंह चुन्नू भाजपा के नेता भी हैं ये, और कल जो है पूरा दबंगई साथ जो है उन्होंने जो है कार्यक्रम किया। मौके पर एसडीएम संतोष कुमार ओझा व सीओ प्रशांत सिंह ने सेवादारों को लाख समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सेवादार एसडीएम और सीओ पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए हंगामा काटने लगे। सेवादार तब और आक्रोशित हो गए जब प्रशासन की मौजूदगी में रजिस्ट्री ऑफिस के गेट को बंद कर नए ट्रस्ट का गठन कर रजिस्ट्री कर दी गई। आक्रोशित सेवादारों ने भाजपा नेता को खूब खरी कोटी सुनाई। प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली से गुस्साए सेवादार तहसील के मुख्य द्वार समेत दोनों गेटों को बंद करके प्रदर्शन कर रहे थे। एसडीएम ने सेवादारों के प्रतिनिधिमंडल से अपने कार्यालय में वार्ता कर नियम संगत कार्यवाही की बात कही। शिकायत डीएम के यहाँ हुई है, ये रजिस्ट्रार के यहाँ हुई है, तो बोले ऐसा वहाँ जो है रिसीवर नियुक्त हो गया। कल जो है लोग ले जाके ट्रस्ट बनवाए, हम लोग उसका विरोध किए। एसडीएम ने हम लोगों को जो है बगल किया कि आप लोग हम कराएं क्या करोगे, हमके दिखा दिए क्या हो रहा है। तो वसीयतनामा के लिए जो है अपन लिखा पढ़ी कराए लेकिन वसीयतनामा नहीं हो पाया। चैनल बंद कर दिए। हाँ, और जो है उसको जो है रजिस्ट्रार जो है कमरा बंद करवा दिए। सीओ मिल के, एसडीएम मिल के, तहसीलदार मिल के जो उसमें ताला लगवा दिए गेट में, चैनल में हम लोगों को वहाँ हलने दिए क्या हो रहा है। महाराज जी को जबरदस्ती जो है उठा के महाराज जी वहाँ भी लैटरिन कर दिए। और कहाँ है लड़का, वो वीडियो लगा हुआ, सीधा फोटो वीडियो लगा हुआ। लड़के हमारे जो है महाराज जी को लैटरिन जो है हाथ से निकालते हैं, ग्लास लगा के निकालते हैं। कितने की टोटल बॉर्डर तक है जमीन? बाघा बॉर्डर एक गुरुद्वारा है, अमृतसर में 3 तल्ला का मकान है, 70 लाख का खरीदा गया था। राम केवल यादव, कृष्ण नारायण तिवारी, सत्येंद्र प्रताप आदि आज इस मामले को लेकर जिलाधिकारी से मिले हैं। उन्हें अवगत कराया गया है कि बाबा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसका लाभ उठाकर कोर्ट रचित ढंग से कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि नए ट्रस्ट से जुड़े लोग बाबा की संपत्ति हत्याने के लिए तहसील स्तर के अधिकारियों को हमवार किए हुए हैं। जो ट्रस्ट कल गठित हुआ है वो फर्जी है, आश्रम को अपने संरक्षण में लेकर उसे सुरक्षित किया जाए।
संतोष तिवारी ने बताया कि पूर्व में जिलाधिकारी के आदेश पर ट्रस्ट बना था, जिसके संरक्षक तहसीलदार थे, लेकिन कल बाबा को एसओ की मौजूदगी में उठाकर लेकर गए। वहां एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में चैनल बंद किया गया और नए ट्रस्ट की लिखा पड़ी हुई। उन्होंने भाजपा नेता संत बक्स सिंह चुन्नू को मुख्य भूमिका अदा करने वाला बताया है। वर्ष 2013 में एक ट्रस्ट का गठन किया गया, जिसके मुख्य न्यासी बाबा थे। उसके बाद सेवादार शरद कुमार द्वारा गुरु गोविंद शैक्षणिक और धर्मार्थ ट्रस्ट बेलहरी नाम से ये गठन किया गया। खारिज दाखिल के समय इनकी जानकारी हुई, तब सेवादार शिवेंद्र प्रताप सिंह ने कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर ट्रस्ट का विघटन करवा दिया गया था। पिछले एक साल से कई बार ट्रस्ट में फेरबदल किया गया। बुधवार को बीमारी की हालत में 84 महाराज को रजिस्ट्री कार्यालय लाकर नए ट्रस्ट की रजिस्ट्री करवाई गई, जबकि बाबा बोलते नहीं हैं। ऐसे में रजिस्ट्री के दौरान किसी विशेषज्ञ का ना होना रजिस्ट्री कार्यालय को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है, जो बाबा के इशारों को समझकर बता सके। फिलहाल ये प्रकरण काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन 84 बाबा लोगों के लिए पूजनीय है और उनके प्रॉपर्टी, उनके ट्रस्ट को लेकर इस तरह से जो हो रहा है वो लोगों में चर्चाओं को जन्म दे रहा है। सुल्तानपुर से नाउ 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाउ 44 न्यूज चैनल।